पसंद तो तुझे करती है वो? करती है वो, अभी थोड़ा बोल नहीं रही है, शर्मा रही है, किसी से डरती है। हाँ बताएगी। आगे आगे बड़ी दुल्हनी आ गई राजू, इसको देख के ना वो फिल्मों में नहीं होता टां 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 टां। सुबह आज भी डर लगता है हमको, इतना टाइम हो गया फिर भी। तभी तो टिकती नहीं वो, जा ना डर तक। ना ही तुम्हें खोना, ए रुको रुको रुको, ना ही तुम्हें खोना चाहते हैं, ना ही तुम्हारी याद में कभी रोना चाहते हैं। जब तक ये साली हमारी जिंदगी है ना, तब तक बस तुम्हारे साथ होना चाहते हैं, कसम गंगा मैया की। यार पिछले 9 महीने से तुझे रोज इग्नोर कर रही हूँ और तू रोज यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और प्रपोज करने लग जाता है। इतने में तो एक बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आ जाता है और तुम डीठ एक ही जगह पर अटके हो। 275 बार ना बोल चुकी हूँ तुम्हें मैं, स्टिल तुम्हारी बेशर्मी कायम है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ऐसा सुने हो ना। और वैसे भी यार, जिस प्यार में शर्म हो ना वो प्यार नहीं होता, वो खाली फ्लर्टिंग वर्टिंग होती है। जो प्यार पूरी बिस्तरमी पे उतर आए ना, उसी को असली प्यार का फतूर बोलते हैं। ओ रोमियो, क्या प्यार? तुझे मालूम भी है प्यार क्या होता है? आज तक मैंने तुझसे ठीक से बात तक नहीं की, तुझे मुझसे प्यार हो गया। ये सब ना नॉनसेंस बातें हैं। जब तक दो इंसान एक रिलेशनशिप में नहीं आते ना, तब तक उनमें कोई प्यार नहीं होता। मैं सोच रही थी तुझे ना ही बोलूं यार, तुझे हर्ट हो जाएगा, बेफालतू में दिल पे लेके बैठ जाएगा बात को। तो सुन, I belongs to very royal family और तू रोड साइड खड़ा होके गूगल से लव शायरी कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाला मुझे फॉलो करेगा, मेरे साथ रिश्ता बनाएगा। देख मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रही, हम दोनों की क्लास में बहुत फर्क है। हमारा एक स्टेटस है, रुतबा है हमारा सोसाइटी में, और तुम्हारा जानता भी नहीं है कोई तुझे। अब ये बात अपने दिल पे लगा लियो और अपनी ईगो को ऊपर रख के ना दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दो। दिल तोड़ के जा रहे हैं आप? साला गरीब का भी वही दिल होता है, अमीर का भी वही दिल होता है। आज क्या बोली वो? राजू आज तो भैंचो बेइज्जती का पूरा ऐसे सुना के चलेगी यार। क्यों, ऐसा क्या बोली? जैसा हम उसको समझते थे ना, वो ऐसी है नहीं यार। वो हर चीज की कीमत ना साला पैसे से नापती है, लेकिन उसको लगता मालूम नहीं है कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत पैसा नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसे से भी बढ़कर होती हैं। दिल तोड़ के गई है हमारा। देख राजू, अब वो चुकी हमारी ईगोट, अपन को चाहिए फुल पैसा, कैसे भी अमीर बनना है अपने को। अच्छा अब तुझे वीडियो वो तो नहीं बना रहा कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी? नहीं हा? तो ये वीडियो एंड तक देखियो फिर जज करियो। ठीक है चलो आगे। तो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा, मेरा दिमाग खराब आ रहा है। ऐसे कौन से शहर में लेकर जा रहा जहाँ पे मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी कि मैं जैस्मिन की बराबरी कर पाऊंगा कुछ ही दिनों में? वो मैं तुझे वहां जाके बताऊंगा। अच्छा बात सुन, तूने कुछ सोचा कि कैसे पैसे कमाएगा और जैस्मिन की बराबरी कैसे कर पाएगा तू? हाँ यार फिलहाल तो मैं कॉइन स्विच कुबेर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या है ब्रो? कॉइन स्विच कुबेर ना बहुत सही एप्लीकेशन है, ये 21वीं सदी का सबसे बढ़िया तरीका है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। बिटकॉइंस, इसमें तुम 100+ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें नो ब्रोकरेज फीस है। और मुझे दलालों से सख्त नफरत है यार, बाय गॉड कसम से। और भाई इसका यूजर इंटरफेस इतना इजी है कि जैसे तुम एक कैब बुक करते हो, जस्ट लाइक दैट, जैसे तुमने अभी कैब बुक करी थी वैसे ही। और सबसे बड़ी बात, इस पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रस्ट करती हैं, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज। अच्छा हाँ, वैसे कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं आजकल? ब्रो पिछले 7 महीनों में ना 1 मिलियन से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं इस पे। एक बात बता, तू भी तो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, फिलहाल किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तू? FD में इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं, उसमें मुझे 7 से लेकर 8% तक का प्रॉफिट मिलता है, और म्यूचुअल फंड्स उसमें मुझे 13 से लेकर 15% तक का प्रॉफिट मिलता है। हाँ हाँ ब्रो समझ गया, जैसे कि अपना स्टॉक्स में 17 से 18% का प्रॉफिट होता है और गोल्ड में 20 से 22% का। लेकिन तुझे पता बिटकॉइंस में ना 300% तक का प्रॉफिट मिलता है। सच्ची? और अगर तू अभी इस पे साइन अप करता है और आगे रेफर करता है ना, तो तुझे 50 रुपीज के बिटकॉइंस मिलेंगे इन योर कॉइन स्विच वॉलेट, और KYC भी हैंड टू हैंड हो जाएगी। और अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, बिल्कुल सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, और सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा उसका
अरे प्रॉफिट टू हैंड विड्रॉ कर सकता है, जैसे तुझे प्रॉफिट आएगा साथ के साथ अपने बैंक अकाउंट में डाल ले। अरे क्या बात है यार, तो बड़े कमाल की चीज है, मैं तो इस पे आज ही रजिस्टर करूंगा और इस पे इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। तूने लिंक दिया है? हाँ ब्रो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दिया मैंने, वहाँ पे जाके इस पे रजिस्टर कर लो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे। बस देखना फिर तू आज, वो देख तेरी जिंदगी गाड़ी आ गई, चल कैब आ गया अपना। एक सेकंड, रुक रुक रुक, तुम हमको 100 किलोमीटर दूर अपना शहर छुड़वा के इस शहर में ऐसी कौन सी नौकरी लगवाने आए हो कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे साले? मेरे भाई, इस घर का दरवाजा तेरी किस्मत के ताले खोल सकता है। तुझे पता है इस घर में एक अमीर औरत रहती है, केवल अपने एक, अरे वो देख उस गरीब नौकर के साथ। मैं तो रस्ते से जा रहा था, बेलपूड़ी खा रहा था, तुमको मिल। अगर तू इस गरीब नौकर को गेट आउट कर दे, उसके बाद इस घर में एंट्री ले ले, तो देख के मौका मार दे चौका, करती करते सिपाही। समझा क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, समझ तो हम रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुमको कैसे पता इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में कि घर में कई नौकर ये सब? कैसे? डिलीवरी का काम करता था ना मैं? हाँ? करता था ना, 2 बार इस घर में डिलीवरी दिया हूँ, ठीक है, तब देखा था कि सिर्फ एक औरत है और एक गरीब नौकर है। एक तो तुमने शहर छुड़वा दिया, ऊपर से रोज जैसमिन को देखने के नजारे छुड़वा दिए, और यहाँ बोल रहे हो कि यहाँ पे नौकर बनेगा है? और चोरी। अबे चुप कर, अगर तुझे अपने शहर में मैं नौकर लगवाता तो तेरी किलिस ना जाती। तब मेरी बात सुन मेरे भाई, अब तो इस घर में पूरी इज्जत से नौकर बनना है और चोर भी। चल चल चल, वो देख वो जा रहा है। कौन हो भैया आप? तुम्हारे बुढ़ापे की पेंशन है हम। मतलब ये कि आज से तुमको ये नौकरी करने की कोनो जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास से घर पर बैठो, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगा, काम करने की कोई जरूरत नहीं है बिंदास। ये सोचो कि साक्षात तुम्हारे लिए भगवान आ गए। ई का बात बनी भैया, हम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, हमार मालकिन अकेली राहत है, उनको हमार बिन रहने की आदत नहीं रहे। क्यों बे है? मैडम का सर हो तुम, नौकर हो ना, तो नौकर तो कभी भी नौकरी छोड़ सकता है, और आज से तुमने नौकरी छोड़ दी, सिंपल। ई का गुंडागर्दी है भैया? गुंडागर्दी? लो आज, अरे भाई काहे की गुंडागर्दी यार, इतने प्यार से तुमको बोल रहे कि भैया नौकरी छोड़ दो, घर पे बैठने का पैसा मिलेगा तुमको, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तुम तुम्हारा भला कर रहे हैं, रेस्ट करो, रेस्ट ये लो, हैप्पी रिटायरमेंट, और ये पकड़ो 2 महीने का एडवांस। हमको तो हम डिलीवर कर देंगे, और आओ तुमसे थोड़ा बात भी करना है हमको। ये बताओ हमको मैडम को क्या? प्रणाम मैम साहब। अरे अरे, कौन हो तुम, ऐसे घर में कैसे? हाँ वो हम बाबूलाल के बड़े भाई हैं, बाबूलाल। बाबूलाल के बड़े भाई बाबूलाल? जी, वो बाबूलाल में 20 स्मॉल आता है, हमारे वाले बाबू में 20 कैपिटल आता है। लेकिन वो बाबूलाल कहाँ पे है? जी वो अभी आपका दूध लेने के लिए गया था ना, वो तभी उसका कॉल आया कि उसकी बीवी ने ताजा ताजा बच्चा दिया है, तुरंत ही गांव भाग गया, और लेकिन हमारी ड्यूटी लगा के गया कि पीछे से आपके घर का अच्छे से ख्याल रखना है हमको, बोल के गया कि मैम साहब को कोनो चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोनो चीज़ की तकलीफ ना हो, आपका काम बिल्कुल टिच टॉप हो, बिल्कुल सफाई अच्छे से कर देंगे, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। पर बाबूलाल पिछले 3 साल से अपने गाँव नहीं गया, तो उसकी बीवी के बच्चा कैसे हो सकता है? ये हमका नहीं पता। चलो वेल, तुम्हें घर का सारा काम तो करना आता है ना? टिप टॉप। खाना बनाना आता है? हाँ जी हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, हमको बटर चिकन, तंदूरी चिकन, अफगानी चिकन, मलाई चिकन, आलू चिकन, गोभी चिकन, मटर चिकन, चिकन चिकन, सब चिकन आता है। तुम ये बार बार चिकन चिकन क्यों कर रहे हो? हमारी मालकिन को ना चिकन बहुत पसंद है, उनको ना अच्छा अच्छा चिकन बनाकर खिलाना, क्योंकि वो बाबू बताए थे हमको कि आपको चिकन खाना बहुत पसंद है। अच्छा चलो ठीक है, जाके बटर चिकन बनाओ फिर अभी। ठीक है मैडम जी, हमें तकलीफ ही नहीं आया, बटर चिकन तुमको भी चलेंगे जल्दी। इसको बोलते हैं चूतिया चिकन।
मालकिन को लगेगा कि अपने हाथों से बनाए हैं हम, लेकिन उसको नहीं पता कि हमने टमाटो से ऑर्डर किया है। खुश कर देंगे पूरा। बाबू खाना ले आओ। सारी बहुत टाइम लगा दिया बाबू खाने को। सारी सारी मैडम जी सारी, बहुत थोड़ा टाइम लगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है ये, खा के बताइए ना। बाबू बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है मुझे। शुक्रिया मैडम जी। वो क्या है ना, अबू हमारे बड़े रेस्टोरेंट में काम करते थे, वही सिखाया हमको चिकन। बस करा करो बाबू, इतना मत बोला करो, बहुत बोलते हो तुम। वो मैम जी इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी ना एक नेता जी से बहुत बोलते थे काम। बाबू बस करो, चुप करके अपना खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। सॉरी। ओ मिस्टर फेक नौकर, अब जल्दी से इस घर का मुआयना कर और जल्दी से मालकिन की तिजोरी ढूंढ और सफाई करके 9-2-11 और ले बेटे। अबे अभी तक आई के नहीं? अबे साले अभी वो गाड़ी से निकली है, बस निकल चुकी है। क्या पहन के आई आज? उसने वो पहना हुआ है वो छोटा सा, वो क्या वो टी शर्ट पहनी वाइट कलर की। अबे टॉप है, उसको टी शर्ट नहीं वे, उसको टॉप बोलते हैं। और क्या पहन के आई है नीचे? हाँ वही वही, वो नीचे से पहना है उसने, वो छोटा सा वो घाघरा पहना हुआ है। सर कंटाप के नीचे देंगे तुमको, इतने ध्यान से मत देखो, समझ गया क्या पहन के आई है वो। अच्छा ठीक है, फ़ोन रखो, वो मालकिन आंटी के नाश्ते का टाइम हो चुका है, हमको खाना देना है उनको। ठीक है बाद में कॉल करते हैं। मैडम जी, मैडम जी आपका नाश्ता तैयार हो गया है जी। अच्छा तो बाबू तुम्हें पूरा मेरा फेवरेट मेन्यू बता के गया है? जी हाँ बता के गए थे हमको सब। सुबह के नाश्ते में ना मैडम को फ्रेश लाइम सोडा और वाइट पास्ता पसंद है। रख दो वहाँ पे। वैसे मैडम जी एक बात बोले आपको, आप पे ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा पॉलिश कर रही है ये। थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो जी, वो सब्जी वाला आएगा तो सब्जी ले लेना और अच्छे से धो के फिर पकाना। और लगता है यही वो तिजोरी की चाबी है, जब भी तो मैडम हर वक्त ये चाबी अपने पास रखती है। इसमें है खजाना, उठा ले। अरे मुझे तो एक फोन करना था। अरे मेरा फोन कहाँ पे? जी हाँ ये पड़ा आपका फोन। तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। जी जा रहे हैं। थर्टी बढ़िया यार, ये मालकिन हर वक्त तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखती है, देखे हम आज उसको। और चाबी के पास पहुंचने ही वाले थे, तुरंत बोल पड़ी कि मेरा फोन कहाँ है, फोन के पास ही तो चाबी पड़ी थी। अरे यार तू टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, जब शाम को आएगी ना तब ट्राई करना, पक्का तेरे हाथ चाबी लग जाएगी। हाँ चल छोड़ चाबी को, भाभी का बता इसे चूर से निकली कि नहीं। हाँ 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 वो आई थी, लेकिन यार आज वो ना 20 मिनट पहले निकल गई, शायद काम होगा उसको कोई। अच्छा देख यार ध्यान से सुन, संडे तक का टाइम है, घर की सफाई कर दे। ठीक बोल रहा, तो संडे से पहले पहले कांड करना ही पड़ेगा, तो टेंशन मत ले, अभी थोड़ी देर घर का मुआयना करूँगा फिर देखते हैं। ठीक है चल फोन रख फिर, ठीक है बाय। आई के नहीं अभी तक? ले आ गई आ गई आ गई। अबे आज तो बड़ा मुस्कुराती जा रही है ये। शुक्र है भगवान का, भगवान करे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे और उसकी मुस्कुराहट की वजह मैं बनूं। अरे ये मुझे घूर रही है। क्या तुझे घूर रही है? और तेरी भाभी मुझे बुला रही है यार। क्या बात कर रहा है तू, सच में तुझे अपने पास बुला रही है? ठीक है क्या पता कोई बात करनी हो, तू बात सुन, फोन मत काट के ठीक है, फोन अपने हाथ में रखे, हम सारी बात सुनेंगे, तू जा चुपचाप जा। यार मुझे बहुत जोर से डर लग रहा है। अरे काय पड़ती है तुम्हारी इतनी यार, कुछ नहीं होगा, तू जा, भगवान करे कुछ अच्छा ही होगा, तू जा। अच्छा
तो जला तो ब्लैक डाल तो आज जला तो नमस्ते भाभी जी जी वो वैसे मुझे पूछना था वो तुम्हारा दोस्त रोमियो नजर नहीं आ रहा दो चार दिन से कहाँ गया क्या बात है जी बड़ा पूछ रही उनके बारे में जी वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है जब भी लौट कर आएगा वो फिर से आपके पीछे आएगा सॉरी वो वैसे ही निकल गया मुझसे वेल मुझे ये बताना था अपने उस रोमियो दोस्त को बोल देना कि अब उसको आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और दो महीने में मेरी शादी भी है तो अब तो मेरा पीछा वो ना ही करे राजू अबे अबे सुन रही है तेरे को मेरी आवाज अबे सुन सुन तू उसको बोल ये झूठ बोल रही है अबे ये झूठ बोल रही है जी ऐसा मत बोलो आप वो तो उसे बहुत प्यार करता है मर जाएगा बेचारा वो हाँ मर जाऊंगा उसको बोल मर जाऊंगा मैं सच में मर जाऊंगा और वो तो पैसे कमाने के लिए गया है वो कि आपसे शादी हो के समझ रहे हैं आप ओह माय गॉड इतना कितना कमा लेगा वो और वैसे भी वो मरे या जिए इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खुद से आके तुम्हें ये बात इन्फॉर्म तक कर रही हूँ बता देना अपने उस सनकी रोमियो को लेकिन वो मेरी अबे सुन यार तू चिंता मत कर अरे वो मजाक कर रही थी वो जानबूझ के बोल रही थी ऐसा ताकि तू उसका पीछा छोड़ दे पक्का बोल रहा था हाँ यार 100% पक्का मैं जानता हूँ उसकी वो सहेली है ना उसने भड़काया होगा उसको हाँ वैसे तो आपका अपने प्यार पे कॉन्फिडेंस है पूरा अच्छा सुनो कला अब तो और चुल मच रही है जल्दी से करोड़पति बनने का आज रात ही कांड करूंगा ठीक है तू फोन रख तू चिंता मत कर ठीक है ना ओके शादी करेगी किसी और से फाड़ देंगे मोहिम साहब ये क्या करना है तेल गरम करके लेके हमको पता है रात को ऑफिस की जरूरत पड़ती है अच्छा तो वो तुम्हें अच्छे से सब बता के गया है रात के समय में मैडम को तेल लगवाना और मालिश करवाना बहुत पसंद है पैरों की हाँ बाबू ने हमको यह भी बताया था कि रात को मोहिम साहब के पैरों में तेल जरूर लगा देना उसके बिना मैडम को अच्छी नींद नहीं आती कहीं ये कैपिटल बाबू स्मॉल बाबू की नौकरी तो नहीं लेना चाह रहा मैडम कैसी बात कर रहे हो आप मैं अपने छोटे भाई के पेट पे लात क्यों मारूंगा भला हमको किसी चीज की कमी नहीं है हम आज भगवान से डर के बोलते हैं इतनी बात लेकिन आपको बता दें चलो बातें कम करो लगा दो तेल काल दो मैडम जी बाजू बाजू में लगा देते हैं तेल बोलो तो ओके लगा दो ठीक है नहीं बबीता ये वो बाबू नहीं है इसे ऐसे इतना अपने करीब मत आने दे नहीं रहने दो मुझे नहीं लगवाना बाजू पे काहे मैडम अभी तो आप बोले थे कि लगा दो तो अभी भी मैं ही मना कर रही हूँ ना नहीं लगवाना मुझे जाओ तुम जाके सो जाओ फिर भी सोच लो थोड़ा सा लगा दो मैंने बोल दिया ना जाके सो जाओ जाओ और मुझे भी आराम करने दो सॉरी जाओ जी। इसकी माँ की चूड़ियां बेचू ये साली चाबी है अलादीन का चिराग साला हाथ लगने को ही नहीं आ रही देख तेरे पास सिर्फ दो ही दिन बचे हैं मंडे को जैस्मिन वापस आ जाती है हॉस्टल तो उसके आने से पहले पहले कैसे भी रिच बनना है अपने को सबसे खास बात शनिवार की रात अमिताभ के साथ नहीं शराब के साथ शराब के साथ शनिवार को मैडम बहुत शराब पीती है अगर तूने उस दिन उनकी सेवा कर दी तो समझ तेरा काम बन गया शनिवार को मैडम दारू पार्टी करती है अकेले में यानी कि आज आज रात खूब दारू पिलाएंगे मैडम को Yeah.
बाबू। हाँ जी मैम साहब। बाबू इधर आओ। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ बोलो। वो हमारी पत्नी है ना गांव में, उसको ऐसा लगता है कि 6-6 महीने जो मैं घर नहीं आता ना, हमारा कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन उसको क्या पता, उसी के वास्ते तो हम यहाँ पे दिहाड़ी कर रहा है प्रदेश में, बताओ। अच्छा अच्छा बस कर, अब रोना बंद कर दे। बहुत दुख लगता है, आप नहीं समझ सकते इस दुख को। लिबास तक की बात हो रही है, बोलिए कि वकील, मुझे तो लगता साला वकील, मैं क्या बताऊँ घर की बात। एक वकील बहुत आता है हमारे घर में। पियोगी? अब मना थोड़ी ना करेंगे मालिक आदमी यार। पियो। वैसे तो आप बहुत बड़े हैं देखो, लेकिन फिर भी अगर भेदभाव ना करो तो चीयर्स कर लो। बाबू तूने मेरे को ज़्यादा पिला दी। तो क्या बात है मैडम। चलो मैं सोने जा रही हूँ, ये सारा सामान संभाल के फिर तू सोएगा। हम ही साफ करेंगे। ठीक है मैडम, गुड नाइट। बाबू। जी मैम साहब। मेरे को कमरे तक छोड़ के आ। अजी जी आराम से, बिल्कुल आराम से आइए जी, आइए आइए आइए, आराम से आराम से, बिल्कुल आराम से मैडम जी। अरे आइए आइए, यहाँ पे ये आपका बिस्तर है। तो लात को ऊपर करिएगा। सो जाइएगा मैडम, गुड नाइट। लिखा इस पे? हाँ मेरी बेटी है। पहले का ही नहीं बताया। हम बताए थे ना अपनी बीवी के बारे में कि लड़ रही है हमसे, अपने भाई के बारे में कि उसका नौकरी कर रहे हैं हम यहाँ पे, तुम काहे नहीं बताए? थोड़ा सा बता देते तो काहे करते हम चोरी आज यहाँ पे, हैं काहे? चंडीगढ़ में डिजाइनिंग कर रही है, अपनी माँ को मिलने हर संडे आती है, कल भी संडे, कल भी आएगी। ये जो बेटी है ना आपकी बेटी, हम बहुत प्यार करते हैं इसको, बहुत ज्यादा ट्रू लव है हमारा,
बहुत प्रपोज ठोके हो इसको बहुत, पर बहुत ना किए इसने हमको, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिकॉज माई लव इज ट्रू, हमको नहीं फर्क पड़ता, हमको नहीं फर्क पड़ता कितना भी रिजेक्शन मिले, लेकिन बीबी जी को बनाना है, ये जिद है हमारी बस। इसी के वास्ते तो हम यहाँ पे आए थे, शहर छोड़ के नौकरी करने, चोरी करने। पर भगवान का करिश्मा देखो है, चोरी किसके घर में किया? जिससे प्यार करते हैं। आप ही के घर में चोरी करने आए थे, आप ही की बेटी के वास्ते। हंसी आ रही है हमको अपने आप, अपने हालात में, इस वक्त हालात में हंसी आ रही है। मैं इतना पैसा, इतना जेवरात, अमीर बनने के लिए किसके वास्ते? जिसके घर से चोरी किया उसी के वास्ते। नहीं जाएंगे, चोरी की है वापिस नहीं जाएंगे, चोरी करके अपने घर लौट जाएंगे ना। कल आपकी बेटी आएगी, इंतजार करेंगे, उसका इंतजार करेंगे हम। जैस्मिन इज माई ट्रू लव मैडम, ये गर्दन ऊपर करिए, जैस्मिन इज माई ट्रू लव। सुबह तक का वेट करते हैं, सच बताएंगे। आई लव यू जैस्मिन, आई लव यू जैस्मिन। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम जानबूझ के मुझे ज्यादा शराब पिला के मेरे घर को लूटने के चक्कर में थे। फिर वही बात कर रहे हो आप, मैं इतनी देर से आपको यही तो समझा रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अगर मुझे चोरी करनी होती तो सब कुछ उठा चुके थे उसी वक्त, भाग जाते सब सामान उठा के। चोरी तो तुमने कर ही ली थी। चोरी कर चुके थे ना, लेकिन भागे तो नहीं। जब हमने फोटो देखी अपनी जैस्मिन की आपके साथ, उनको पता चला कि आप उनके मदर जी हो। मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया था कि सब कुछ बता दूंगा सच, और बता भी दिया सच। तुम्हें तो मेरी बेटी देखेगी अब आके। ठीक है, उसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं। मामा कौन है वो? ये देखो, घर में चोरी करने के लिए आया था ये। हमारे घर में चोरी? तू? मुझे तो पहले से ही डाउट था कि तू मेरे पैसे के पीछे है, पैसे का भूखा है तू। मामा इतने दिनों से फॉलो करता है ये, मेरे पीछे पीछे घूमता है वहां इंस्टीट्यूट के आगे पीछे। मेरे ही घर में चोरी कर दी तूने। बेटा देख, तुझे जिंदगी भर अब जेल के पीछे ना सड़ाया ना, तो मेरा नाम भी जैस्मिन नहीं। बदनामी का ठप्पा तो लग ही गया, सच भी जान लो। चोर तब तक पूरा चोर नहीं माना जाता तब तक वो चोरी करके भाग ना जाए। मैं चोरी करके इंतजार कर रहा था सच बताने का, आपके आने का। ये सब चोरी मैंने आप ही के वास्ते किया है, ताकि आपके सामने बड़ा आदमी बन पाऊं, अमीर बन पाऊं, ताकि आप मुझे अपना बना लो। हम तुम्हारे लिए चोरी कर रहे थे, तुम्हारे लिए हम नौकर बने, चोर बने, क्या क्या नहीं बने यार। अब मेरे लिए ही ना तुम जिंदगी भर कैदी बनकर रहो। इस कहानी से बस इतनी ही सीख मिलती है दोस्तों, कि राह मोहब्बत में कभी किनारा नहीं मिलता, जो मिल जाए इस राह पर कभी अपने ही यार से, वो जख्म कभी दोबारा नहीं सिलता। तो देखा आपने लव का लेवल, गोपाल ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये चोरी वोरी करना गोपाल के प्यार को पाने के लिए मजबूरी थी, लेकिन इसमें ना ही गलती गोपाल की थी और ना ही जैस्मिन की, क्योंकि खुदा ने ये कहानी लिखी ही अधूरी थी। अगर आपकी भी कहानी अधूरी रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।